आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज, खबर आपकी पहल हमारी। आज महागामा थाना के पास दो पहिया वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूरे जिले में अभियान चलाया गया। चेकिंग में लगभग 21 मोटरसाइकिल जब्त की गई। जब्त वाहनों की कागजात और हेलमेट को मद्देनजर रखते हुए जांच की गई थी। अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि 21 वाहनों का चालान काट 14,100 राशि वसूले गए हैं। हरानी फाउंडेशन द्वारा बुजुर्गों और शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों को बांटा गया कंबल। गोड्डा महागामा प्रखंड के जियाजोरी प्रखंड में अदानी फाउंडेशन द्वारा बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के बीच कंबल वितरित किया गया। जियाजोरी पंचायत भवन में आयोजित इस कंबल वितरण कार्यक्रम में बागजोरी, जाताकोठी, रामचंद्रपुर और लगरहारा गांव के कुल 40 बुजुर्गों और शारीरिक अक्षम लोगों को कंबल बांटा गया है। वितरण का कार्यक्रम पंचायत के मुखिया मोहम्मद सैयद अंसारी, वार्ड सदस्य जमशेद अंसारी और गांव के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हुआ। अदानी फाउंडेशन बुजुर्गों और शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों की मदद के लिए हमेशा सामने आता रहा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोहंडिया बस्ती के ग्रामीणों ने अपने गांव में पूर्ण विस्थापन की मांग को लेकर मंगलवार को पुनर्वास स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री ने की हौसला अफजाई में कहा कि ग्रामीणों की मांग 100% जायज है, जिसे प्रबंधन को अविलंब पूरा कर लेना चाहिए। अगर प्रबंधन लोहंडिया बस्ती के विस्थापन में रुचि नहीं लेती है तो बाध्य होकर इस मौजा की खाली जमीन पर दूसरे किसी गाँव को विस्थापन नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर 2 दिनों के अंदर ईशल प्रबंधन लोहंडिया बस्ती के ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं करती है तो ग्रामीण खुद खाली जमीन पर प्लॉटिंग करेंगे और मकान बनाना शुरू कर देंगे। गौरतलब हो कि लंबे समय से लोहंडिया बस्ती का विस्थापन अधर में है, जबकि हाल में परियोजना प्रबंधन बस्ती मौजा के खाली जमीन पर बसजिया सहित अन्य दूसरे गाँव को बसाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसका स्थानीय ग्रामीण विरोध पर उतारू है। धरना दे रहे भूदाता राजेंद्र लोहार, अनुन हेम्ब्रम, ताराचंद्र कर्मकार, मानिक ठाकुर, विद्यासागर चौबे आदि ने बताया कि 2012 में गांव का विस्थापन आरंभ हुआ था, जो अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है। यहां 65% लोगों का मकान का मुआवजा और 20% लोगों की जमीन का मुआवजा और प्लॉट बकाया है, जिसकी मांग लगातार की जा रही है, मगर ईसीएल प्रबंधन आज तक अनसुना कर रही है। माचिस से लदा ट्रक जलकर हुआ राख, चालक और खलासी हुए फरार। पोड़ैयार थाना क्षेत्र के हंसडिया पहुंची मुख्य मार्ग पर डाड़े मोड़ के करीब बबलू लहंडोल के पास माचिस से भरे एक ट्रक में आग लगने से ट्रक जलकर राख हो गई है। घटना सोमवार देर रात की है। इस संबंध में प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि एक ट्रक नंबर TM28BC9546 गाड़ी बौसी की ओर से जा रही थी। सड़क पर जाम होने की वजह से गाड़ी बहुत धीरे धीरे अपने साइड में जा रही थी। पीछे से आ रहे एक ट्रक ने ओवरटेक करने के दरमियान में माचिस लदे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरे ट्रक में आग लग गई। ट्रक में माचिस की पेटी लदी हुई थी और देखते ही देखते पूरा ट्रक जलने लगा। घटनास्थल थाना क्षेत्र में एवं प्रखंड मुख्यालय से काफ़ी दूर है, इसलिए अग्निशमन को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन जब तक अग्निशमन वाहन वहां पहुंची तब तक पूरा ट्रक जलकर राख हो चुका था। ड्राइवर किसी तरह जान बचाकर वहां से निकल भागा। वहीं पीछे वाले ट्रक का ड्राइवर खलासी फरार बताया जा रहा है। इस घटना में किसी प्रकार की हताहत की सूचना नहीं मिली है। मामले को लेकर पोड़ैयार थाना प्रभारी सुशील कुमार झा ने बताया कि पुलिस हर बिंदु पर छानबीन कर रही है। गुजरात से गायब बच्चों को ढूंढती पुलिस मेहरमा थाना पहुंची। मेहरमा पुलिस के सहयोग से सुदनी गांव पहुंची, जहां लोगों से पूछताछ किया गया। मेहरमा थाना से ज्ञानभूषण तिग्गा ASI और वहां के मुखिया मनिंदर कुमार सिंह और गुजरात के कच्छ पुलिस के अलावा ग्रामीण भी मौजूद थे। लापता बच्चे की सूचना देने वालों को 30,000 का इनाम गुजरात पुलिस के द्वारा रखा गया है। गणतंत्र सप्ताह क्रीड़ा समारोह के तहत इंडोर गेम्स का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। आयोजन समिति के सदस्य सह जिला कैरम संघ सचिव सुश्री झा ने बताया कि इंडोर गेम्स के तहत कैरम, बैडमिंटन एवं शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी सह आयोजन समिति अध्यक्ष फुलेश्वर मुर्मू एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रविकांत भूषण ने स्थानीय महिला कॉलेज इंडोर स्टेडियम में कैरम एवं बैडमिंटन खेल कर किया। इस अवसर पर जिला बैडमिंटन संघ मोहम्मद अरसी उर्फ नजमी, कैरम के चीफ रेफरी मनीष सिंह, प्रभारी शिवेंद्र झा, ज्ञानशली के खेल शिक्षक आनंद दयाशंकर, मोहम्मद साहबुद्दीन, कार्तिक मंडल, मोहम्मद शहजाद उपस्थित थे। श्री झा ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण 2 फरवरी को होगा। गोड्डा स्थित अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में छात्रों को सुरक्षा के नियम से अवगत कराने के लिए खास ट्रेनिंग दिया गया। SDC में तकरीबन 300 बच्चे अलग अलग ट्रेन में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान छात्रों को ऑडियो विजुअल के माध्यम से जीवन रक्षक स्किल के साथ साथ सुरक्षा के नियमों को पालन करने के फायदे से भी अवगत कराया गया। अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में छात्रों को वेल्डर, फिटर, बार, बेडिंग,
डिजिटल लिटरेसी, सिलाई समेत कुल 14 ट्रेड में कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करने वाले छात्रों को भारत संस्कार की संस्था राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाता है। अदानी फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में समय समय पर छात्रों को ट्रेनिंग के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा विकसित करने के लिहाज से विशेषज्ञ मेहमान शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत विकास जैसे विषयों पर भी कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। इस तरह की ट्रेनिंग से छात्रों को अपना करियर तय करने में मदद मिलती है। आपके शहर गोड्डा में भी खुल गया है टाटा मोटर्स का शोरूम। न्यूनतम पेमेंट पर फाइनेंस की सुविधा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें आशा कमर्शियल व्हीकल्स, छुरिया बाबा के निकट पिनपैती रोड गोड्डा। मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स आपके साथ हर कदम।